वेलकम गाइस। इन टेक्निकल क्लासेस में आज बात कर रहा हूँ आपके सामने कंडक्शन थ्रू अ प्लेन बॉल की। इसमें भी मैंने जस्ट अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक बॉल बनाई हुई है। बॉल के अंदर मैंने आपको बताया कि इसकी बॉल की थिकनेस आपकी डेल है, और मैंने बताया कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक। यहाँ मैंने बताया कि कुछ एक्स इज इक्वल जीरो पर मेरी जो थिकनेस है वो जीरो है, मतलब एक्स इज इक्वल जीरो, और जब यहाँ पे एक्स इज इक्वल डेल हुआ तो डेल थिकनेस हो गई। फिर आपको बताया था कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने दी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्डेशियन कोऑर्डिनेशन निकाली थी। तो हम सब जानते हैं कि डेल टू टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू टी ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल टू टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस के क्यू जी ओवर के इज इक्वल रू सी ओवर के डेल टी ओवर डेल टाउ। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करना है उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को मानना है विथ सम कंडीशन। वो क्या कंडीशन है आपकी, नंबर वन कि जो हीट फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, स्टेडी। नंबर दो, नो हीट जनरेशन होना चाहिए। इसके बाद तीसरा, वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये कंडीशन क्या है, देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, डेल टी ओवर डेल टाउ इज इक्वल जीरो हो जाएगा, इसके लिए क्यू जी ओवर के इज इक्वल जीरो हो जाएगा, इसके लिए आपका डी टू टी ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल डी टू टी ओवर डी जेड स्क्वायर इज इक्वल जीरो हो जाएगा। जब ये सारी कंडीशन आप इक्वेशन नंबर पुट में करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो आपके सामने जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपके सामने डी टू टी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर टू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, या बोथ साइड इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपके पास आएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल सी वन। जब अगेन करोगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल सी वन एक्स प्लस के सी टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं, वेन टी इज इक्वल टी वन एट एक्स इज इक्वल जीरो एंड टी इज इक्वल टी टी जीरो एट एक्स इज इक्वल डेल, ये दोनों कंडीशंस को यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले कंडीशन पुट कर लेते हैं आपकी, देख लीजिए कि देखिए टी इज इक्वल टी वन एक्स इज इक्वल जीरो। देखो टी इज इक्वल टी वन पुट किया तो जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो सी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, सी टू इज इक्वल टी वन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सी टू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, टी वन। तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी देख लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आएगी, टी इज इक्वल सी वन एक्स प्लस के टी वन। अब दूसरी वाली इक्वेशन पुट करनी है कि टी इज इक्वल टी टू और एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, डेल। तो टी टू इज इक्वल सी वन इंटू डेल प्लस के टी वन, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के मेरी, सी वन की, सी वन इज इक्वल टी टू माइनस टी वन ओवर डेल। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, क्या निकल के आएगा देख लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन थी आपके पास टी इज इक्वल सी वन एक्स प्लस के सी टू, तो यहाँ पे टी इज इक्वल सी वन की वैल्यू कैसे निकल के आई आपके, टी टू माइनस के टी वन ओवर डेल इंटू एक्स प्लस के टी वन। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन निकालना है जो कि गेट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। टी के इधर लेके आऊँगा टी वन आ जाएगा और डिवाइड में आपका टी टू माइनस के टी वन आएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका, एक्स ओवर डेल, ये आपसे पूछा जाता है। इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दीजिएगा। फिर आपको लिखना है यहाँ पे, वी नो दैट फूरियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, फूरियर इक्वेशन क्यू इज इक्वल के इंटू ए डी टी ओवर डी एक्स, इक्वेशन नंबर फाइव। तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि जब मैं इक्वेशन नंबर फोर का डेरिवेटिव निकालू विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो मेरी डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं निकालता हूँ आपके सामने, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट के अंदर टी टू माइनस के टी वन ओवर डेल
इंटू एक्स प्लस के टी वन। तो देखिए ये तो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो ये आपके जीरो हो जाएगी और इसका हो जाएगा वन, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, टी टू ओवर टी वन ओवर डेल। और इसकी वैल्यू को आपको पुट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपके पास क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के इंटू ए टी टू माइनस के टी वन ओवर डेल। ये और आप और लिख सकते हैं इसको एक तरीके से, क्यू इज इक्वल टी टू माइनस के टी वन ओवर डेल ओवर के ए। डेल ओवर के ए आपको होता है थर्मल रेजिस्टेंस। अगर गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, और हीट एंड मास ट्रांसफर और रिलेटेड टू द मैकेनिकल सब्जेक्ट आप टेक्निकल क्लासेस पे जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस को। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।